जिले में रविवार को 49 परीक्षा केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित परीक्षा में लगभग 11,943 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 11,171 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया, जिसके संबंध में परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर थोड़ा कठिन आया था, लेकिन पेपर अच्छा हुआ है। उम्मीद है रिजल्ट आने के बाद जरूर सफलता मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थी माधवी पांडे, ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, निशा त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। मैं ना मालिनी पांडे, पर इस पेपर बहुत टफ था। आप ये इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं? जी इसका नहीं दिए हैं, UPPCS का दिए हैं। कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत टफ। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? सर क्या बताया जाए उम्मीद। ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, आज खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा रही। सर कैसा एग्जाम रहा? एग्जामिनेशन ठीक रहा, पेपर थोड़ा क्या लग रहा है कि कैसा पेपर गया, क्या उम्मीद है? पेपर ठीक गया है, लेकिन टफ है, थोड़ा पेपर टफ है, GS इसमें टफ है। इससे पहले भी एग्जाम ये दे चुके हैं आप? नहीं, पहली बार है। निशा त्रिपाठी, आज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO की। कैसा रहा है आपका एग्जाम? ठीक ठाक रहा है, और जो माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चंस थे उसको हमने छोड़ दिए हैं। इससे पहले भी आपने एग्जाम ये दी? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम था। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? देखते हैं रिजल्ट आने पे पता चलेगा। आदित्य त्रिपाठी, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा थी। कैसा एग्जाम रहा? बढ़िया था, अच्छा पेपर था, पेपर ठीक ठाक था, मिला जुला के अच्छा था। कुछ क्वेश्चन GK के ज़्यादा हार्ड थे और सब ठीक ठाक था। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है एग्जाम? क्या उम्मीद लग रहा है एग्जाम देखे आपको? ठीक है, अगर निगेटिव मार्किंग है तो, इसलिए अगर निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन कम गलत हुए तो हो सकता है अच्छा आ जाए मार्क्स। निगेटिव मार्किंग आपने एग्जाम दे दिया? नहीं नहीं, इसके पहले नहीं दिया था। आज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा थी, प्रारंभिक परीक्षा थी ये, और परीक्षा का समय 12 बजे से अपराह्न से 2 बजे अपराह्न था, और इसमें 23,136 विद्यार्थियों को अपियर होना था, और अधिकांश बच्चे इसमें अपियर हुए हैं पीसफुली, सोशल डिस्टेंस से, पूरा सैनिटाइजेशन सारे स्कूलों का कराते हुए ये परीक्षा सक्सेसफुल रूप से संपन्न कराई गई है, और परीक्षा की गोपनीय सामग्री जो आयोग को जानी है वो पोस्ट ऑफिस में प्राप्त हो रही है, और जैसे ही ये पूर्ण हो जाएगी तो इसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएगा। सर कितने परीक्षा केंद्र जिले में? 49 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपन्न हुई है, और सभी पे सक्सेसफुली सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके, अभिभावकों के बीच में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा गया है, जो अपनी बच्ची बच्चियों के साथ बाहर से आते हैं, और किसी भी प्रकार की उन्हें ना तो ट्रैफिक की समस्या, ना पब्लिक कन्वीनियंस की कोई समस्या, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी समस्या नहीं है। सभी बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे तरह से पुलिस विभाग और प्रशासनिक विभाग, राजस्व विभाग की तरफ से संपन्न हुई।